हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी लेकर आया हूँ। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और भी अपडेट आपको जल्दी से मिले। एक अच्छी काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ, 231 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली, परमानेंट वैकेंसी है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। पहले सबसे पहले आपको क्रोम में सर्च कर देना है, इसकी ऑफिशियल साइट होने वाली है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको सर्च करना है यहाँ पर NEIGRIHMS.gov.in पे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट दिखेगा, अनाउंसमेंट कर देना। अनाउंसमेंट के यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में अपन सब वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट होने वाली, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, यानी जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक तो है रिक्रूटमेंट रूल, यहाँ जो इसके अंदर जो वैकेंसी के अंदर शिलोंग की वैकेंसी है, इसके अंदर जो भी नर्सिंग ऑफिसर को लिया जाता है तो उसके रूल क्या क्या है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में आप नीचे ही देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा नीचे पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दिख जाएगी। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर देख सकते हैं, अब नर्सिंग ऑफिसर्स के टैब पे क्लिक करने के बाद में फिर अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपको मैनेजमेंट मैनुअल फॉर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं ये जो शिलोंग की वैकेंसी है, ऑफिशियल वैकेंसी होने वाली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन एलिजिबल एप्लीकेंट रिक्रूटमेंट फिलअप फॉलोइंग पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर अगेन एडवर्टाइज। इसकी जो वैकेंसी है वो पहले आई हुई है 2019 के अंदर, तो उस बेसिस पे अब इनको उन्होंने अब फॉर्म स्टार्ट होंगे इसके, देन अगेन ये पोस्ट फिल करेंगे। 500 के समथिंग पहले वैकेंसी आई हुई है 2019 के अंदर। एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है इसका, एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद में एग्जामिनेशन सेल्स NEIGRIHMS ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होता है इसका, एंड कंट्रोलर यही होता है इसका, ऑपरेशन प्रोसीजर रूल एंड रेगुलेशन एग्जामिनेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल मैं वैकेंसी बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे जो वैकेंसी होने वाली नर्सिंग ऑफिसर्स की 231 होने वाली है, एससी की यहाँ पे देख सकते हैं 34 है, एसटी की 17 है, ओबीसी की 62 है। हालांकि अदर स्टेट को यूआर में मतलब कंडक्ट करेंगे उसमें, बट जो ओबीसी कैटेगरी है वो शिलोंग के कैंडिडेट को ही आप उसमें इंक्लूड करेंगे। ईडब्ल्यूएस की 23 है और जनरल की 95 है। तो आप देख सकते हैं ये सब आप में एप्लीकेशन जो है आप पढ़ सकते हैं, मैं ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, अगर एक चीज़ में पढ़ूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन मेन चीज़ आपको बता देता हूँ मैं। ये सब उसके रूल हैं, हायरार्की, कंडक्ट एग्जामिनेशन, सब कैसे कंडक्ट करना, ड्यूटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आप पढ़ लेनी है आपको एक बार अप्लाई करने से। अब मेन चीज़ आते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, ये देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन इसके अवेलेबल है, होने वाले हैं 8 अक्टूबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022, याद रखना आपको। मैं बताऊँगा आपको फॉर्म कैसे भरेंगे जब फॉर्म स्टार्ट होगा, तब आपको बने रहना वीडियो के साथ में। एंड सेंट्रल बुकिंग इसमें एग्जामिनेशन की होगी, सेंटर बुकिंग वो 19 तारीख से 30 अक्टूबर तक इसकी बुकिंग होगी, तो इसके सेंटर चॉइस भी आपको मिलेगी। इसमें ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो इशू होंगे वो 2 नवंबर से 8 नवंबर तक इसका जो प्रोसेस रहेगा, कभी भी आपको एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। कैंडिडेट क्वेरी होगी कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड तो 9 नवंबर एंड 12 नवंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेन जो बात है होने वाली है वो 17 नवंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड ड्यूरेशन एग्ज़ाम का सब अपन डिस्कस करते हैं, क्या सिलेबस है इसमें। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2 सेशंस के अंदर एग्जामिनेशन होगा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दो पारी में एग्ज़ाम होगा। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून। एंड वेन्यू इसका क्या रहेगा, कैंडिडेट इनिशिएटिंग जो भी आप सेंटर पर होंगे वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रहेगा, आपको आईडी प्रूफ वगैरह सब आपको लेके जाना है। देन इसके बाद में मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहेगा एंड मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपका एग्जामिनेशन ओनली इंग्लिश मोड रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। एंड नर्सिंग ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, 120 मिनट मिलेंगे, उसमें सारा आपका नर्सिंग से रिलेटेड भी ही आएगा, ओनली इंग्लिश दिया हुआ है बट इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, मेनली ज़्यादा आपको नर्सिंग का ही पार्ट आएगा। मेन मेडिकल सर्जिकल, कम्युनिटी, ऑब्स्टेट्रिक, चाइल्ड हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, यही सब्जेक्ट आने वाला है, इनमें से ही आने वाला है। डिक्लेरेशन रिजल्ट्स वगैरह सब मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, जैसे आपका स्कोर बनेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख लिया, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रहने वाला है, ये सब आपकी जो भी आप PDF पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इसके रिक्रूटमेंट रूल रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप रिक्रूटमेंट रूल, मैं आपको सब क्वालिफिकेशन वगैरह बताऊँगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट ये 2019 की है 580 पोस्ट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ये भी। एंड लेवल आपका सैलरी होने वाली 17,000 सैलरी होने, बेसिक सैलरी आपकी होने वाली है
44,900 सैलरी होने वाली है। एंड इसके अंदर आपकी एज लिमिट वही रहेगी जो सेंटर के अकॉर्डिंग होती है 35 ईयर, एंड रिलेक्सेंट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आप देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, एंड आपके पास में GNM वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, एंड BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आपके पास में नर्स का जो है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना कंपलसरी है। अब इसमें ये सारा लिखा हुआ है, इसके जो भी क्राइटेरिया है, रूल हैं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, बस जो भी एग्ज़ाम होता है सेंट्रल का, बस वही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो और भी अपडेट के लिए, वैकेंसी के लिए एंड फॉर्म कैसे अप्लाई करना, उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।